सिर्फ निशानदेही से क्या फायदा होने वाला है? ये बहुत जरूरी है कि ये दौलत वापस आए, इसलिए कि ये पाकिस्तानियों की है। हम कर्जों के अंदर जकड़े हुए हैं, पाकिस्तान कंगाल है, गरीब आदमी जो है उसको जिंदा दरगोर किया गया है, बिजली की कीमतें हर महीने बढ़ाई जा रही हैं और कोई कसर नहीं छोड़ी हुक्मरानों ने और अब भी लूटमार जारी है। तो इसका रास्ता जो है वो रोकने के लिए बहुत अहम तरीन बात यह है कि अवामी शऊर इतना बुलंद हो कि लोग इनमें से जो करप्ट किसी भी जमात के अंदर है और जो करप्ट किसी और जमात को भी ज्वाइन करेंगे, लोग उनका बाइकाट करें और किसी करप्ट के साथ ना चलें। करप्ट जमातें कौन सी हैं? आपने तो दोनों जमातों को करप्ट किया। मैं मजमुई बात कर रहा हूं, इसलिए कि यह मामला जो है इसमें फहरिस्तें छपी हुई हैं, लोगों के नाम है और इसी तरह से केसेस अदालत के अंदर है, यह सारी चीजें। आज दुनिया के अंदर कवानीन मौजूद है अकवाम मुत्तहिदा के और इसी तरह खुद स्विट्जरलैंड ने जो लचक पैदा की है, उसके बाद अब स्टेट अगर जाए और हुकूमत यानी राजा साहब बैठे हैं, ये बताएं अगर इनकी दौलत नहीं है और बाहर जो है वो बैंकों के अंदर पाकिस्तानियों की दौलत किसी की भी है, वो किसी ब्यूरोक्रेट की है, किसी ताजर की है, किसी जर्नैल की है, किसी जज की है, किसी सियासतदान की है, उसको वापस लाने के अंदर क्या रुकावट है, इनको ये क्या रुकावट है? है और अगर ये बात जो है ये अगर ये करें वहां पे राजा रियाज साहब से, ये अहम सवाल है राजा रियाज साहब, क्या रुकावट है आप लोगों को करप्शन? आप तो खुद कह रहे हैं करप्शन है, तो आप लोग पकड़ते क्यों नहीं उसको? जी हमारे पे जो ये इल्जाम है, इसका परवेज मुशर्रफ के दौर में 11 साल ट्रायल हुआ है और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तकरीबन 10 साल जेल में रहे हैं। अगर उनकी कोई चीज़ होती, ये तमाम वो केस थे जो सैफ़ुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ के दौर में झूठे और बिल्कुल जिनका कोई जवाब नहीं था वो बनाए, और उसके बाद बदकिस्मती ये है कि बड़े बड़े दावे के साथ और बड़े वसूख से ये कहा जाता है जी कि ये हैं, अगर थे फरिया तो मेरा सवाल और था जी, उनका सवाल इदारों के हवाले से है राजा रियाज साहब। मेरा सवाल ये है कि इनकी नहीं है, ये सारे केस झूठे थे और वहां पर किसी की दौलत पड़ी है पाकिस्तानियों की, उनसे आप डिटेल मांग सकते हैं किसकी है और उसको वापस ला सकते हैं। अब तो ये सहूलत मौजूद है, उसमें क्या रुकावट है? आपकी नहीं है, चले हम कहते हैं आपकी नहीं है, आप बड़े पवित्र हैं, पाक हैं, आबे जमजम से नहाए हुए हैं, आपकी नहीं है, किसी की तो है, पाकिस्तान तो आनी चाहिए। बताएं कौन है? इस बात का जवाब दे दे, मैंने तो आपकी तारीफ की है कि आप बहुत नहाए हुए हैं, मतलब यह है ना कि आप उस दौलत को तो वापस लाएं, किसी के काम तो आए, किसी के काम आए। वक्फा कर लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे कि ये लूटी हुई दौलत वापस कैसे आएगी। जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, जो इत्तेहाद बन रहे हैं, क्या इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को उनसे कोई फायदा भी हो? वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये कहती है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद की जाए, वफाकी हुकूमत बिलखसूस सदर सदाई साहब को भी निशाना बनाया जाएगा, नौजवान तबके को वोट डालने की ज्यादा से ज्यादा तरगीब दी जाएगी, दूसरी जमातों के बागी अरकीन को तरीके इंसाफ में शामिल किया जाएगा, बागी एमएनएस को आइंदा इलेक्शन में टिकट की यकीन दहानी कराई जाएगी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लाहौर जैसे मजीद जलसों का इनेकाद किया जाएगा, पंजाब के बाद दीगर सूबों में भी जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। राणा सनाउल्लाह साहब कहा यह जा रहा है कि 30 का जो जलसा हुआ उसके बाद से एक इमरान खान फोबिया हो चुका है आपकी जमात को, तभी फैसलाबाद का अभी जलसा आपने मुलतवी कर दिया, क्योंकि आप माने ना माने आपके ऊपर प्रेशर है कि आपने उससे बड़ा जलसा करना है। देखें मामला ये है कि अगर तो हमने इस एहतजाजी तहरीक का या इन जलसों का ऐलान जो है वो 30 के बाद किया तो फिर तो ये बात कही जा सकती है। बाकी अगर यानी कुछ लोगों का अगर इंटरेस्ट इसमें है या कुछ लोगों को इस बात में जो है वो अपनी जो है वो बेहतरी नजर आती है और वो ये कहते रहे कि जी मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई है, मुस्लिम लीग नून को खौफ आ गया है, मुस्लिम लीग नून को
जो है वो इसकी मुसीबत पड़ गई है। देखें बात ये है कि हमने पिछले 9 साल जो स्ट्रगल की है मुशर्रफ की आमरियत के खिलाफ, उस वक्त भी हमारी जमात को तोड़ के जो है एक इस्टेब्लिशमेंट ने एक क्यू लीग बनाई थी, और उस क्यू लीग में कैसे कैसे लोगों को फिर शामिल किया गया और कैसे कैसे उनको नीट क्लीन और ये अब इनकलाब लाएंगे या अब इस तरह से हालात को दुरुस्त कर देंगे, ये शेम डेमोक्रेसी को खत्म करके ये रियल डेमोक्रेसी लाएंगे। देखें एस्टेब्लिशमेंट जब भी कोई खेल खेलती है उसके तरीके यही होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट बना रही है? मैं कहता हूं कि यानी मसूद शरीफ साहब के शामिल होने के बाद और कुछ लोग और भी शामिल होंगे, कुछ लोग जो पहले शामिल हुए हुए हैं, इनसे जो है ये बिल्कुल बात रोजे रोशन की तरह यहाँ हो जाएगी। सिर्फ मुझे एडमिरल साहब से जवाब लेने दें, बात और क्यादत जो है मियां नवाज की उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, और दूसरी तरफ से जो है वो यानी पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाने जी, एडमिरल साहब आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बारे में वो कह रहे हैं कि रोजाना मजीद शवाहद मिलते चले जा रहे हैं। जी राणा साहब जरा तसल्ली से सुने कि ये हमें ये वो दिन भूल गए हैं जबकि इमरान खान जो है वो 2007 में नवाज शरीफ के साहब के साथ एपीडीएम में उनके साथ चल रहे थे। क्या वो ये दिन भूल गए हैं जब एपीडीएम की मीटिंग्स इलेक्शन से पहले उनके घर हुई और फिर इन्होंने बेजारो मददगार एपीडीएम को छोड़ दिया? क्या वो ये दिन भूल गए हैं जब जजेस की तारीख में इन्होंने काजी साहब और इमरान खान के जुम्मे इस्लामाबाद जाना लगाया और खुद ये गुजरांवाला से वापस हो गए? तो ये कौन, अगर जौन सी एजेंसियां हमें लेके आई हैं तो हम तो शुक्र गुजार हैं उन एजेंसियों के जो 4 लाख जो हैं वो लोग लेके आ गए हैं, तो ये भी कोशिश करें कि उन एजेंसियों को लाएं, वो भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है। शुक्रिया अदा करें जी, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम तो अपना आपकी नालायकियों की वजह से शुक्रिया अदा करें, उन्होंने बड़ी मदद की है। लेकिन राणा साहब ये बात तो सच है, ये तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब का हाथ पकड़ के खड़े हुए थे, इमरान खान साहब एपीसी हो या और बहुत सारे उस वक्त जलसे में मियां नवाज शरीफ तशरीफ ले आए, देख लें इमरान खान साहब के, मुझे जरा देखें, मुझे जरा आप सुन लीजिए। देखिए राणा साहब, आप अगर जमात इस्लामी हमारे साथ थी, तहरीक इंसाफ हमारे साथ थी या कोई और जमातें हमारे साथ थी, आपने तो सबको धोखा दिया, आपने एपीडीएम में सबको धोखा दिया। मार्च में जमात इस्लामी के लोग भी हमारे साथ थे, तहरीक जनाब नूरा किश्ती थी आपकी, आपने धोखा दिया, आपने नूरा किश्ती की, आप अंदर से मिले हुए हो, आपको आज जरदारी साहब की करप्शन याद आ गई है, 3 साल से आपको आपको इनकी करप्शन नजर नहीं आ रही थी। असल में हकीकत ये है कि ये दोनों पार्टियां ये खुद अपनी जो अफादियत है और लोगों में अपना इतमाद खो चुकी हैं, ये बुखला गई हैं, और ये देखिए ये किसके खिलाफ निकल रहे हैं, पंजाब में इन्हीं की हुकूमत है, अगर इनमें हिम्मत है और अगर असूल पसंद है ये इस्तीफे दे के सड़कों पर आए। ये मेरा ख्याल ये जमहूरियत की ये ना सिर्फ नफी है, ये तजलील है कि ये जमहूरियत में अपने खिलाफ निकल रहे हैं। राजा साहब अगर आपकी सारी जिंदगी फौज में लेफ्ट राइट करते गुजरी है, आपको मेरी जिंदगी फौज में गुजरी हो, आपको सारी जिंदगी जहां आइजन आवर की भी सारी जिंदगी फौज में गुजरी, आपकी जॉन कैरी की भी सारी जिंदगी फौज में गुजरी, आप उनके आगे तो सरे तस्लीम खम करते हैं। फौज में होना तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सियासत की बात कर रहे हैं। बदकिस्मती देखें इस कौम की कि अब एडमिरल और ये जो अपना आपको लीडर आपको और ये, बदकिस्मती ये बदकिस्मती के आप ऐसे लोग जो आप सियासत करेंगे, आपको तो समझ ही नहीं आई बदकिस्मती, इस कौम की बदकिस्मती तो ये जर्नैलों के चक्कर लगाते हैं, ये जो है हवारी है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीएचक्यू का चक्कर लगा के उनको अंकल कह के आती है, कोई उसको डैडी कहता है जनरल को, कोई उसको अंकल कहती है, तो ये जो अंकल अगर आप ना कहते, अगर अंकल ना कहते तो आप यहाँ पहुंचते भी ना, आप अंकल ना कहते चले फिर रहे हैं ना भाई साहब, आप जो आपका खात्मा, अच्छा मुझे ये बताएं मुझे एक सवाल पूछने दें, कंपनी में नौकरी करें जाके छोड़े अडमर साहब, आप किस आप देखिए राणा साहब, राणा साहब आपसे एक सवाल मैं करना चाह रही हूँ,
एडमिरल साहब मुझे एक सवाल करने दें, इमरान खान साहब ने खुला काम में फौजी ऑपरेशन के खिलाफ हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि मैं फौज का जो है बजट वो पार्लियामेंट के सामने लाऊंगा, उनको पूछा जाए, उसके बाद उन्होंने और भी उस जलसे में एक आध बात ऐसी कर दी, आपको क्यों लगता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है? अब देखिए कि जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है तो वहाँ पे इमरान खान साहब को सांप सूंघ गया था। 2 मई का जो वाकया हुआ, इमरान खान साहब कहाँ थे उस वक्त? ये क्या स्टैंड? इमरान खान साहब को इसका जवाब मैं दूंगा। टेबल बेस के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब का क्या स्टैंड है? और ये जो धरने देते रहे हैं, ये ड्रोन हमलों के खिलाफ, ये ISI के कहने पे नहीं देते रहे, वो इनको जो है वो साइट सिलेक्ट करके नहीं देते रहे कि आप धरना वहां पे दे, वहां पे दे, वहां पे दे। राणा साहब सारी चीजें जो है, इसका जवाब सुन ले ना, अभी जवाब सुनिए ना राणा साहब, इसका जवाब आपके पास, आप सुनने का हौसला रखें। मैं मौजूद था APDM की मीटिंग में, नवाज शरीफ साहब को ब्रिटिश एम्बेसडर का फोन आया, ब्रिटिश एम्बेसडर के फोन पे ये 40 मिनट गायब रहे इजलास से, और ब्रिटिश एम्बेसडर के कहने पे इन्होंने उसमें इलेक्शन में हिस्सा लिया, ये इन्होंने धोखा दिया। के साथ मैंने आपके पास लास्ट वर्ड के लिए आना था, मगर क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकी, इस बहस को दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। क्या किसी को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है या सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं? क्योंकि सियासत का और इलेक्शन का वक्त करीब है तो सियासत गर्म हो रही है, मगर साथ ही साथ बहुत सी नई चीजें होने जा रही है। हमने आपको पहले भी कहा था, वी विल कीप यू अपडेटेड हियर ऑन दिस प्रोग्राम, यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@samar.tv और ज्वाइन मी ऑन माई फेसबुक पेज विच न्यूज़बीट विद फरियाद रीज़। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, हैव अ ग्रेट वीकेंड। आखिरी प्रोग्राम था इस हफ्ते का, आपसे अब मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।